स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिशिंग नहीं हो पाई। अब कहाँ पे चूक हो गई, प्रशासनिक स्तर पे कुछ धांधली हुआ, सरकार के स्तर पे धांधली हुआ, या हमें कुछ चूक हुई, तमाम बातों की समीक्षा अभी हम लोग बैठ कर करेंगे। जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है महागठबंधन को, उसके आधार पर विधानसभा के अंदर मुद्दा आधारित संघर्ष की ओर आगे बढ़े। अब इस पर बाद में और समीक्षा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमज़ोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई। हाँ, बैठक है। बिहार ने पहली बार अपने सरोकार के मुद्दों को चुना। नौकरी कभी चर्चा होती थी, दवाई, पढ़ाई, ये मुद्दे बिहार के जनमानस में आ गए। प्रधानमंत्री जी को ये स्वीकार करना होगा। और वैसे भी हम जान रहे हैं कि जिस तरह के विरोधाभास से परिपूर्ण ये गठबंधन है उनका एनडीए, और जिस तरह से लो मार्जिन सीटों में प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि बिहार का जनमानस कुछ और चाह रहा था इस बार।